नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही नेता और राजनीतिक दल लगातार जनता से रूबरू होते हुए अपनी विचारधारा से अवगत करा रहे हैं। नेता और राजनीतिक दलों के अलावा लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता भी उत्साह के साथ सम्मिलित होने के लिए तैयार है। जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी व पूर्व जिला पंचायत वन सभापति राकेश डहरवाल ने बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में केंद्र और में भी जनता से कई झूठे वादे किए हैं। इस लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा के झूठे वादों में नहीं आने वाली। राकेश डहरवाल ने कहा कि जिले के सभी कांग्रेस एकजुट होकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता अपना आशीर्वाद इस बार कांग्रेस को देगी और निश्चित रूप से बालाघाट सिवनी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह निश्चित रूप से जीतेंगे। देखिए, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है और आप जहाँ तक मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मुद्दे गिनाते गिनाते पूरे दिन निपट जाएगा, तो मुद्दे इनके ख़त्म नहीं होंगे, इतने मुद्दे हैं। इनने पूरे 10 साल में टोटल झूठे वादे किए हैं, किसानों को बरगलाए हैं, महिलाओं को बरगलाए हैं, जो वादे किए कहीं पे ये आज तक के खरे नहीं उतरे हैं। MSP को लेकर भी जनता नाराज है बीजेपी से, क्योंकि 3100 रुपये धान खरीदी का वादा किया था बीजेपी ने, इसको किस तरह कैश कर रहे हैं हम? भाई आज हम जहाँ जा रहे हैं, यहाँ जिस भी गांव में जा रहे हैं, जिस कस्बे में जा रहे हैं, तो वहाँ का किसान अपने मुंह से बोल रहा है कि बोले मोदी सरकार बोले झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। इन्होंने बोले किसानों से हमसे इतना बड़ा वादा किया था झूठ बोल करके, हमसे बीजेपी की सरकार बनाई और अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे, वो अपने मुँह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसा माहौल है कांग्रेस के प्रति? कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है और हम जिधर भी जा रहे हैं उधर समर्थन लोगों का मिल रहा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की गवर्नमेंट इस बार बनेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।